हाय गाइस, वेलकम टू द सेवंथ स्क्रीन व्लॉग ऑफ अल्टीमेट स्पेक्टेटर यूट्यूब चैनल। तो यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज के बारे में जो यूट्यूब पे सिर्फ चल रहा है। हाउ टू क्रैक IIT इन 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 डे, और इसी के काउंटर पार्ट में हाउ टू क्रैक NEET इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड वॉट नॉट। तो क्या तुम लोगों को लगता है कि NEET या JEE जैसा कोई भी एग्जाम हम लोग 1 दिन, 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने में निकाल सकते हैं? ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है यार, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। JEE या NEET को निकालने के लिए हमें 2 साल, मतलब अपना 11th और 12th सिंगल माइंडेडली बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या डेविएशन के अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग का हो सकता है कि JEE या NEET का एग्जाम निकल जाए। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि निकलेगा, और ये कोई फाइनल टेस्ट भी नहीं है कि जिससे हम सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे लाइफ में। तो बेसिकली ये क्या चल रहा है यूट्यूब पे, ये कुछ नहीं है, बस इसे हम लोग कहते हैं क्लिक बेट। क्लिक बेट का मतलब होता है कि इतना इम्प्रेसिव कोई थंबनेल बना दो ताकि जो व्यूअर है वो उस पर क्लिक करे ही करे, उस पर अपना टाइम दे। क्योंकि सपोज अगर तुम्हें कोई बोल दे कि चलो आज हम लोग पैसे कमाते हैं, 1 करोड़ रुपए हम लोग 1 दिन के अंदर बनाएंगे, तो डेफिनेटली यार तुम लोग उसको क्लिक करोगे, और उसके अंदर कुछ नहीं होगा, उसके अंदर तुम्हारे पास सिर्फ एक मोटिवेशन सा कुछ ज्ञान होगा, और उसमें दूर दूर तक पैसे कमाने या सेव करने के ऊपर कोई भी चीज नहीं होगा। और एट द एंड उस वीडियो में तुम्हें एक गिल्ट फील कराया जाएगा कि क्यों तुमने अपना टाइम वेस्ट किया और उस वीडियो को क्लिक किया। तो अगर ये सब ड्रामा में पढ़ना है तो तुम और भी जितने भी क्लिक बेट थंबनेल्स है उस पर क्लिक कर सकते हो, उस पर अपना टाइम दे सकते हो, लेकिन इसका क्या फायदा है यार? और जितने भी लोग 2 साल में कैसे JEE को क्रैक करे तो वो YouTube पे जनरली ये बताते हैं कि JEE में इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है या NEET में इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। अरे यार, अगर कोई बच्चा 11th में आके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसे इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। स्टार्टिंग में हर चैप्टर तो इंपॉर्टेंट ही होता है, वो तो जब हम प्रिपरेशन अपना खत्म कर लेते हैं या फिर 12th के एंड पे आ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि यार रोटेशन एक हार्ड चैप्टर है। लेकिन अगर तुम्हें स्टार्टिंग से ये बात बता दी जाएगी कि रोटेशन एक हार्ड चैप्टर है तो तुम कभी क्या रोटेशन को पढ़ोगे? तुम्हें क्या अगर स्टार्टिंग से ये बात बता दी जाएगी कि रोटेशन के अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते तो जनरली लोग छोड़ देते हैं या नहीं बना पाते, तो तुम क्या मैकेनिक्स के रोटेशन के उस चैप्टर को पूरे अपने फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ाई करोगे? या अगर तुम्हें कोई ये बता दे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने में लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है तो तुम क्या कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करोगे? नहीं करोगे। और यहीं पे तुम भीड़ से पीछे हो जाओगे, जहां बाकी लोग हर चीज कर रहा है, हर चीज पढ़ाई कर रहा है, तो तुम सेलेक्टिव हो जाओगे कि मुझे तो सिर्फ यही करना है क्योंकि मैंने यहां पे ऐसा कुछ देखा है। हर क्वेश्चन को पहले दिन से ही जज करने लगोगे कि क्या ये मेंस का क्वेश्चन है या एडवांस का क्वेश्चन है या बोर्ड का क्वेश्चन है, इसका हार्डनेस लेवल क्या है, क्या ये आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम जब प्रिपरेशन कोई बंदा या बंदी स्टार्ट करता है 2 साल पहले तो उसके दिमाग में सिर्फ प्रिपरेशन होना चाहिए कि मुझे प्रिपेयर करना है। और एक फन फैक्ट बताता हूं कि ये जो चीजें हैं कि JEE को कैसे क्लियर करते हैं, इस टाइप की चीजें तुम्हारी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जब IIT में आ जाओगे या तुम जब मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, अगर तुम मेडिकल कॉलेज में गए तो तुम्हें फिर ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने को मिलेगा, हाउ टू क्लियर NEET PG इन 1 मंथ, 1 डे, 1 वीक या जो भी। और अगर IIT में आ गए तो हाउ टू डू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इन 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ। इस टाइप के चीजों का कोई अंत नहीं है। तुम अपने अराउंड लोगों को देखो, तुम्हारे भी गली में मोहल्ले में हो सकता है कोई ना कोई कभी ना कभी IIT क्रैक किया हो या NEET क्रैक किया हो, तुम उससे जाके बात करो। कोई तुम्हें ये नहीं बताया कि उसने NEET 1 दिन में क्रैक कर लिया या 6 महीने में क्रैक कर लिया या JEE को 1 दिन में उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया। वो भी तुम्हें यही बताया कि टाइम के साथ तुम्हारा मैच्योरिटी बढ़ेगा चीजों को समझने का, उन टॉपिक्स को समझने का, उसके बाद ही तुम हर चीज को एनालाइज और एसेस कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा टॉपिक मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए खराब है, और कौन से जो टॉपिक्स को इन ऑल मैं लास्ट मिनट सबसे ज्यादा पढ़ के अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता हूं या कर सकती हूं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस किया कि ये जो भी लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन्होंने असलियत में JEE एडवांस में खुद अच्छा स्कोर किया ही नहीं है, और कई लोगों ने तो मेंस भी क्लियर नहीं किया है, और कुछ लोग तो साइंस स्ट्रीम से ही नहीं है फिर भी हमें बता रहे हैं कि हमें JEE को 1 दिन में, 10 दिन में कैसे क्लियर करना है। और जब मैंने एक्चुअली देखा कि अरे यार ये भी हमें JEE क्लियर करने के टिप्स दे रहा है,
तो मुझे सबसे पहले लगा कि उसके बारे में सर्च करते हैं। समझ में आ रहा है कि अगर कोई इंसान हमें किसी भी चीज के बारे में एडवाइस दे तो उसका एडवाइस हम लोग को तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक वो उस चीज से उस दौर से खुद ना गुजरा हो, तब तक उसका एडवाइस हमें नहीं लेना चाहिए। अब अगर तुम लोग में से कोई अगर कभी आईआईटी बीएचयू आए तो वो डेफिनेटली एक इंसान से जरूर मिलेगा, उसका नाम है पौंडी बाबा। पौंडी बाबा बेसिकली एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर किसी को सप्लाई करते हैं, जो भी आईआईटी बीएचयू में स्टूडेंट्स होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ, नोट्स हुआ, और अगर तुम एग्जाम से पहले जाके उनसे पूछोगे ना कि मेरे प्रोफेसर का नाम ये है, तो वो तुम्हें बता देंगे कि ये टॉपिक पढ़ लो, वो टॉपिक पढ़ लो, तो पास हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। पहली बात तो बच्चे समझदार होते हैं और वो उनके बातों में आते नहीं, बेसिकली बच्चे मस्ती करने जाते हैं। और अगर गलती से कोई जो वो सिर्फ बता रहा है वो पढ़ के चला गया तो उसका कल्याण हो जाता है, पक्का लगता है उसको। अब अगर मुझसे भी तुम लोग पूछो कि आर्मी का एनडीए का एग्जाम कैसे निकालते हैं, और मैं तुम लोगों को बोलूं कि हार्डवर्क करो, मोटिवेटेड रहो, एग्जाम निकल जाएगा, और इसी के अराउंड 2-3 कहानियां सुना दो, तो तुम लोग का पहला सवाल दिमाग में क्या आएगा? ये सब तो ठीक है, लेकिन एनडीए का एग्जाम निकालते कैसे है? ये तो जो आपने बताया वो तो जिंदगी में बहुत जरूरी है, मोटिवेटेड रहो, हार्डवर्क करो, खुद में भरोसा रखो, लेकिन फिर भी एनडीए का एग्जाम निकालते कैसे? तो बस यही बात है। अगर तुम्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो अपने टीचर से जाके बात करो, जो तुम पर्सनली जानते हो, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कैसे तुम्हारा एक अच्छा रैंक अचीव होगा। और अगर तुम्हारा टीचर भी क्लिकबेट के लिए वीडियोस बना रहा है तो समझ लो तुम्हारे टीचर बदलने का समय आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी और तुम लोग इसे डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, अब कुछ पेटेंट लाइंस। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, इससे तुम कनेक्ट बना पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा करने से मुझे लगेगा कि मैंने कुछ सही किया और मैं ऐसे कुछ वीडियोस बनाते रहूंगा और मैं भी मोटिवेटेड फील करूंगा कि मैं जो कर रहा हूं उससे किसी के लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, किसी का सोचने का पर्सपेक्टिव बदल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी बात हो जो मुझे बतानी चाहिए थी और मैंने नहीं बताया, या फिर कोई चीज जो तुम्हें लगा हो कि मैंने गलत बता दिया है, तो उसके बारे में भी तुम नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर इस तरीके के पॉडकास्ट जो मोनोलॉग हो वो तुम्हें पसंद हो, मतलब बेसिकली इसमें मैं ही जब बोल रहा हूँ, तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो एक दूसरा प्लेलिस्ट जिसका तुम्हें लिंक ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, जिसमें ऐसी ही कुछ कूल अनहर्ड स्टोरीज ऑफ आईआईटीयंस होती है जो सिर्फ उन्हें पता होती है या उनके दोस्तों को पता होती है। तो ऐसे ही सारे स्टोरीज का मैं एक कलेक्शन बना रहा हूँ और उसे आप लोग उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी जहां पे हम लोग यूट्यूबर्स के वर्क को रिव्यू करते हैं जो इसी मतलब एडटेक या एडुकेशन फील्ड से रिलेटेड होते हैं, इन द प्लेलिस्ट लेट्स रिव्यू यूट्यूबर्स, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।